हाँ, ये नया मंथ नया दिन, ठीक है। तो कल से आपका 1 अक्टूबर स्टार्ट है, तो हमारे पास 4 मैच आए हैं। इधर बीच थोड़े मैचेस अनप्रडिक्टेबल हो रहे हैं, जैसा मेरा हमेशा से होता है मंथ एंड और मंथ बिगनिंग में, उस हिसाब से ही मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। फिर वर्ल्ड कप अपना मेन फोकस रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हमारी टीम सौराष्ट्र रहेगी, ठीक है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। इसमें हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया ही रहेगी, इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बहुत रेयर केस में, क्योंकि इधर भी हुआ है साउथ अफ्रीका, ये भी 1 तारीख को है, ये देखने वाली बात है। लास्ट मंथ, इस मंथ में भी 1 तारीख को आपका पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया था, एकदम अनएक्सपेक्टेड मैच। तो हो सकता है कुछ भी, बट मैं देखता हूँ। इसमें भी इसकी कैप्टनसी बहुत पुअर है, सोफी डिवाइन की टीम में कोई कमी नहीं है, मेजर रीज़न है इनकी कैप्टनसी हद से ज़्यादा पुअर है। ये 5 बॉलर को न खिला के पूरे 10 10 बॉलर से बॉलिंग करा रही हैं। जब ये विकेट गिर रहा है तो प्रेशर डालने के बजाय सूजी बेट्स इन सबको बॉलिंग देकर प्रेशर रिलीज़ कर रही हैं। तो न्यूजीलैंड को टच करना मेरे को समझ नहीं आ रहा, वरना अभी तक तो मैं एडवांस दे भी दिया रहता। इनकी सोफी डिवाइन इज़ द वर्स्ट कैप्टन एवर, आपको इस चीज़ समझना होगा। श्रीलंका में भी हारी, मेरे को लगा कि हो सकता है ये ट्रिक हो, मतलब कि श्रीलंका को जिताया गया हो चाहे जो भी हो, बट साउथ अफ्रीका से भी हारना और इतनी ख़राब कप्तानी, अपनी मेन मेन बॉलर को इतना नीचे तक बॉलिंग ही ना देना, मैं बोल सकता हूँ कंटिन्यूस बॉलिंग ना देना, बेकार के चेंजेस करना, और पूरी तरह से एकदम बकवास कप्तान, मैं बोल सकता हूँ। इसीलिए मैं फिर से न्यूजीलैंड पर रिस्क अब नहीं लूँगा। मैंने लिया है रिस्क, आपको मालूम है, पहले मैच में लिया था, हमारा काम हो गया था। दूसरे में मैंने लिया था, पूरा 1 साइडेड मेरा काम लग गया था। और तीसरे में मैं अब इस टीम के साथ नहीं रह सकता, ठीक है। अब पता नहीं क्यों, और बाकी नॉर्थ वेस्ट और रॉक्स में पहले मैं देख लूँ टीम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सौराष्ट्र है, ये बंदे ने बना के दिया है प्रोबेबल प्लेइंग 11। इसमें ऐसा तो आपको कुछ करना नहीं है, मेरे हिसाब से देना चाहिए, मतलब आना चाहिए, प्रॉपरली आना चाहिए। और ठीक है, तो इसमें मैं ये बता दूं कि इनके नीचे तक बैट्समैन हैं, और मेन यही होगा आपका जयदेव उनादकट, और कहीं ना कहीं बाकी तो टीम अच्छी है। इसमें भी देखा जाए तो टीम काफ़ी अच्छी है, सरफराज अहमद, सरफराज खान आपको काफ़ी रन बना के दे रहे हैं, और ध्रुव जुरेल भी थोड़ा तेज़ खेलेंगे, और इस बंदे का नाम याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ठीक है। बाकी विद्वात कबीरप्पा का मैं फैन हुई, साई सुदर्शन थोड़ा तेज़ खेलता है तो आपको याद रखना है, यहाँ एक फ़ायदा मिल सकता है आपको, सेशन यस करके आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। साई सुदर्शन अगर बैटिंग कर रहा है तो आपको ये चीज़ समझना है, ये तेज़ खेलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये तेज़ खेलता है, और सरफराज खान भी कहीं ना कहीं थोड़ा तेज़ खेलता है, पर साई सुदर्शन अभी सर्रे में भी ठीक ठाक बैटिंग करके आया है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप देख सकते हो। तो और तो कुछ है नहीं दोस्तों, इसमें हमने बता दिया है, कुछ ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करना नहीं है। इसमें भी अगर देखा जाए तो मेन प्लेयर ये रहेंगी, सी हेनरी आप याद रखिएगा, बहुत बड़ी प्लेयर बनेंगे, ठीक है। बाकी ये और ये टॉप की स्पिनर है, दोनों टॉप की स्पिनर हैं, और कोई भी मैच कलरफुल ला सकती हैं अगर ये पहली बैटिंग करती हैं और थोड़ा ठीक ठाक रन बनाती हैं। मेरा ये मानना होता है 20 ओवर पूरा खेले, मतलब 7 8 विकेट के लॉस पे भी, तो थोड़ा बहुत प्रेशर डाल सकती हैं, बट मैं ये बता दूंगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। दिस इज़ द टॉप टीम, और सबका वही 25 30 ऐसा खुलेगा, वो भी आपको याद रखना है। और यहाँ आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर ये दोनों स्पिनर बॉलिंग करने आ रही हैं तो, और हाले मैथ्यूज है तो आप नॉट उठा सकते हो, पर बहुत ज़्यादा नॉट मत करिएगा, थोड़ा सा देख के अगर आप करोगे तो। देखिए BNRY कैंडिडेट मैं पहले बता देता हूँ, ये BNRY कैंडिडेट हो जाएंगी, बैत मुनी को टच मत कीजिएगा, ये भी BNRY कैंडिडेट हो जाएंगी, ये भी BNRY कैंडिडेट हो जाएंगी, ये भी BNRY कैंडिडेट हो जाएंगी, ठीक है। बट ये है कि ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया है, कोई ना कोई एक प्लेयर पूरा ही खेल देगा, बैत मुनी को टच मत कीजिएगा, बाकी तो और कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। इसमें BNRY गलती से भी मत कीजिएगा, वेस्ट इंडीज़ वोमेन में ऐसे में भी वो कम ही देगा। बाकी इसमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी सोफी डिवाइन हो गई, इतनी बढ़िया टीम लेकर के पूरी टीम को इन्होंने कचरा कर दिया, मैं यही बोलूँगा। और कल लास्ट मैच है तो हो सकता है ये कुछ अपने प्लेयर्स को बैठा दें, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच में बैठाया था, मैंने प्रिडिक्ट भी किया था और ये मैच ही हारे थे। तो एडवांस में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा है इनकी कैप्टन, अगर ये नहीं खेलती है तो अच्छा रहेगा। हालांकि टीम काफ़ी अच्छी है, हालांकि इनकी टीम ने भी काफ़ी वो किया है, तो यही है कि अभी मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एडवांस में मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं, हो सकता है कि इनकी कल के दिन मैं रिजाइन कब बैठ जाए, हो सकता है आपकी कल के दिन आपकी लॉरा वर्ल्डवाइड बैठ जाए, कंटिन्यू से मैच खेल रहे हैं तो अभी 5 T20 भी बचा है, तो प्रिडिक्शन का कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर यही टीम पूरी खेलती है तो फिर साउथ अफ्रीका, क्योंकि मैं ये नहीं जा रहा हूँ भाई, अब मैं रिस्क ही नहीं लेने वाला इसके ऊपर, मैं बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई। बाकी नॉर्थ वेस्ट और यूरोक्स की बात की जाए तो जानेमन मलान वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, मैं बोल सकता हूँ, इन्होंने आते ही सेंचुरी मारना स्टार्ट किया था, फिर वही हुआ रिजा हेनरिक्स, और इनको बैठना पड़ गया टेम्बा बवुमा की वजह से, ठीक है। अब यही है कि प्लेयर तो टॉप क्लास है, बाकी क्लैट फॉर्च्यून भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, कीगन पीटरसन एकदम टॉप के प्लेयर हैं, पीटर मलान अच्छा खेलते हैं, कोपलैंड ठीक ठाक प्लेयर है, जोंकर तो अब एजेड हो गए हैं, और बाकी फ्रिकॉयस एडम्स इनके बढ़िया ऑलराउंडर हैं, मखानिया इनके लेफ्ट आर्म के साथ फास्ट बॉलर हैं, ये भी काफ़ी अच्छा करते हैं। और अगर नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए तो टीम ठीक ठाक है, एक लास्ट मैच इन्होंने डिफेंड भी नहीं किया था शायद, या किया था, मैंने आपको दिया भी था, इस साल आखिरी में जाकर फिर से हार गए थे, 2 मैच ये क्लोज हारे हैं ना, तो ये एक बार रुकी इनका ना वो देख लेता हूँ मैं, अगर ये 10 इन्होंने अगर एक भी मैच नहीं जीता है तो ये पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर अपना ट्रिक काम कर रहा है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो तो आप खुद भी देख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट ने कितना जीता है, नॉर्थ वेस्ट ने 2 ने 2 हारा है, हाँ, तो ये हो सकती है वो टीम जो सारा मैच हारने वाली है, ठीक है। हाँ, तो यही है, नहीं अभी हालांकि देखा जाए तो लॉयंस भी एक को नहीं जीती है, एक नो रिजल्ट रहा है, तो अभी आप बोल नहीं सकते जब तक कि किसी एक टीम का 0 ना हो जाए। टीम अच्छी है, पर ये वाली टीम भी अच्छी है, रॉक्स की टीम में भी काफ़ी दम है, इनकी टीम में भी काफ़ी दम है, ठीक है। तो इसमें तो चलिए हमारी टीम यही रहेगी, ये टीम अच्छी भी है और ये टीम सॉलिड भी है, हालांकि इसमें भी कप्तान, इसमें भी यही है कि कप्तानी वगैरह में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम यही हो रही है। और
बैटिंग अच्छी कर रहे हैं ये लोग, अभी तक मानना पड़ेगा ये सब दो तीन प्लेयर हैं जो अच्छा खेले, पर हमारी टीम ये रहेगी ठीक है। थोड़ा बेकार मेरे को लग रहा है, आज उतना बढ़िया हुआ नहीं। अब वर्ल्ड कप से ही स्टार्ट करेंगे ठीक है, कुछ बोलने को है नहीं, थोड़ा बहुत मैंने बताया है आपको वही जो मैं बता सकता था। ऑस्ट्रेलिया सौराष्ट्र इसमें मैं नहीं टच कर सकता इसको, इसको अगर अगर पूरी टीम खेलेगी तो साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा अगर कोई बैठता है तो मेरा प्रेडिक्शन कैंसिल हो जाएगा, इसमें हमारी टीम रॉक्स रहेगी ठीक है। चलिए दोस्तों अभी मैं चलता हूँ, कुछ खास वीडियो बना नहीं है मेरे को मालूम है, कुछ काम की बात अगर आपको मैं बता दूँ तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि साइंस सुदर्शन बैटिंग करने आएगा तो आप सेशन यस कर सकते हो ठीक है, क्योंकि वो किसी को नहीं मालूम, आपको मालूम है जो मैं बता रहा हूँ ठीक है। जैसे बियो वेबस्टर करके एक प्लेयर है, वो जब बैटिंग करने आता है ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक में तो मैं सेशन यस करता था, बहुत अच्छा बन जाता था मेरा ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बैट मुनी को टच नहीं करना, बाकी प्लेयर्स का BNRY कर सकते हो, BNRY का भी एक तरीका होता है 21 बॉल लो, नहीं तो फिर थोड़ा सा पहले ही आप बोल सकते हो कि रन आप यस कर सकते हो, क्योंकि आते ही ये लोग जीरो पे आउट होने वाले प्लेयर नहीं है अपनी धरती पे, थोड़ा सा देख लो 3-4-5 रन बन गया तब तक बॉल भी बढ़ा देगी, फंसा दो ठीक है, वहाँ एक आप फंसा सकते हो। वेस्ट इंडीज़ क्या जीत सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, पर मंथ एंड का और मंथ बिगनिंग के मैचेस अनएक्सपेक्टेड होते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया को हराना ऑस्ट्रेलिया में तो कोई सोच भी नहीं सकता ठीक है। बढ़िया है कि कुछ देने नहीं वाला, आखिरी तक कुछ नहीं देने वाला आपको, अगर ये पहली बैटिंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ और ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर देते हैं ठीक है 140-140 के लगभग, तो थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं, बशर्ते कि ये तीनों स्पिनर खेले, मैं फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ठीक है। और सी हेनरी का नाम याद रखिएगा, बहुत बड़ी प्लेयर है, अच्छी फास्ट बॉलर है, अच्छी एथलीट है और कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा मारती हैं ठीक है। और कुछ नहीं बोलना है ना आपको, इसमें अगर देखा जाए तो एस सच सोफी डिवाइन ही एक ऐसी प्लेयर है जो आप BNRY के लिए जा सकते हो, बाकी किसी को टच करने की जरूरत नहीं है ठीक है। अगर इसमें बात करो तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अभी से नहीं पाकिस्तान सीरीज से बोल रहा हूँ, ये दोनों बॉल नॉट कैंडिडेट हैं, ज़्यादा नहीं खेल सकते, 10 में कोई एक मैच खेलते हैं, बाकी इसकी भी बॉल हद से ज़्यादा खुलती है, सुनो ले लो इसकी 45-50 खुलती है, दो बार तक ये भी काम लग जाएगा इसका भी ठीक है। बाकी आपने समझ ही लिया होगा नारियान डिक्लर क्या है, अभी तक इनको बैटिंग नहीं मिली, चारों को बैटिंग नहीं आती ठीक है, इनकी तो आखिरी तक बैटिंग है। इनकी अगर बात की जाए तो देख लीजिएगा, शायद लास्ट मैच में किसी का 100 था मेरे को याद नहीं है। इस टीम में एकदम सब टॉप के क्रिकेटर हैं, कीगन पीटरसन से लेकर एकदम बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है और अच्छे स्पिनर्स भी हैं, स्पिनर्स इन द सेंस की नहीं, स्पिनर्स तो नहीं है इसमें, ये शायद स्पिनर हैं, कोपलैंड शायद स्पिनर, मेरे को मालूम नहीं है ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो विहान लुबे बॉलिंग नहीं कर रहे, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे, लास्ट मैच में जिता सकते थे अगर ये अनिल फुलकवायर को सामने स्पिन लेके आते, एक विकेट लिया फिर ये हट गए, कोई सेंस नहीं बनता, तो इससे प्रेडिक्शन का कोई सेंस नहीं बनता ठीक है। बाकी टीम एवरेज है बट अच्छा खेल रही है, पर दोनों हार गई हैं तो इसके साथ मैं नहीं रह सकता, सॉरी इसके साथ मैं नहीं रह सकता, हमारी टीम यही ही रहेगी ठीक है। दोस्तों अभी मैं चलता हूँ।